उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते में आएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। मोहम्मद ऐवाद प्रभारी बरेली प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया, सुल्तानपुर, सोनभद्र, बरेली और बनारस में ईवीएम से संबंधित घटनाएं घटित हुई हैं। वो मतगणना बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ईवीएम खुलेआम जा रही है, वैलेट पेपर कूड़ेदान में मिल रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद आजादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले सभी डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। बीजेपी की साजिश है कि मतपत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने की साजिश है। हमें जिस तरह से बरेली सहित, चाहे बनारस हो, सोनभद्र हो, कहीं पर बैलेट पेपर और कहीं पर मशीनें मिल रही हैं, इसमें आशंका ही नहीं, आप लोग खुद देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है ये सरकार की। लोग अधिकारी जो दबाव बनाकर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाना, सादा बैलेट पेपर ले जाना, ये क्या चुनाव आयोग की नियमावली में है? ये तो सरेसर धोखा देने का काम है। हमारे जांबाज कार्यकर्ता और आम जनमानस जो लोग थे वहां पर, जिन लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी और यहाँ के जिलाधिकारी ने माफी मांगी, और अभी तक किसी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं चुनाव आयोग से और यहाँ के ऑब्जर्वर से, आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, और जिलाध्यक्ष जी ने लिखित में भी शिकायत किया है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।